प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। ये जो आपका टॉपिक है ये थर्ड सेमेस्टर से संबंधित है, ठीक है। सो देखिए, हम समझते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि हम डिफरेंशियल इक्वेशंस कहते किसे हैं, ठीक है, इसके टाइप्स क्या हैं और किस तरह से इसका हम सॉल्यूशन करते हैं या किस तरह से हम डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते हैं, ठीक है। तो ये हम कुछ टॉपिक्स आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहले हम समझते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन किसे कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। डिफरेंशियल इक्वेशंस, या इसको आप हिंदी में बोलते हैं अवकल समीकरण या अवकलन समीकरण, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों ने जो है अवकलन डिफरेंशिएशन पढ़ा होगा, डिफरेंशिएशन में आपने फंक्शन भी पढ़ा होगा, यदि y इज इक्वल्स टू एफ एक्स है, ठीक है। सो ये चीज़ आप लोगों ने डिस्कस की होगी। इसके साथ ही यदि हम इसका डेरिवेटिव्स निकालें तो डी वाई अपॉन डी एक्स भी आपने पढ़ा होगा, इसका सेकंड डेरिवेटिव्स तो आपने ये भी पढ़ा होगा डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसी तरीके से इसके डेरिवेटिव्स आपने पढ़े होंगे किसी भी फंक्शंस के, ठीक है। सो यहाँ पर आपका जो एक्स कहलाता है वो एक्स होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एंड ये जो वाई होता है ये होता है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। सो ये फंक्शन ऑफ एक्स होता है, ठीक है, जिसमें केवल इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और डिपेंडेंट वेरिएबल है। इस तरह का फंक्शन आपने पढ़ा होगा और इससे फिर आपने डेरिवेटिव्स निकालना, दैट मीन्स अवकलन करना, एक बार दो बार, है ना, इस तरह से अवकलन करना आपने पढ़ा होगा, अर्थात इसके आपने डेरिवेटिव्स पढ़े होंगे। तो अवकल समीकरण हम एक्चुअली इसे कहते हैं कि ये फंक्शन है, किसका फंक्शन है, ये फंक्शन है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल, या फंक्शंस जो y है इसके डेरिवेटिव्स डी वाई अपॉन डी एक्स, डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू, ठीक है, इस तरीके से। तो x y इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल और फंक्शंस के डेरिवेटिव्स, दैट मीन्स ये जो डिपेंडेंट वेरिएबल है y इसके डेरिवेटिव्स, ठीक है, इन सब का जो फंक्शन होता है और ये बराबर क्या हो, जीरो, इसको आप बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। दैट इज क्लियर, समझ गए होंगे। फॉर एग्जांपल जैसे हमने ये ले लिया डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एक्स इंटू वाई इक्वल्स टू जीरो, ठीक। सो ये जो इक्वेशन दी गई है ये इसमें आपका एक्स भी है इंडिपेंडेंट है, वाई डिपेंडेंट है, एंड ये इसका डेरिवेटिव से फंक्शन वाई का, ठीक है, और इक्वल जीरो, दैट मीन्स ये इक्वेशन है और इसको नाम देंगे आप डिफरेंशियल इक्वेशन। दैट इज क्लियर, ठीक। सो अब इसके बाद ये आपने समझ लिया कि डिफरेंशियल इक्वेशन आपका जो है फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट और इसके डेरिवेटिव्स ये होता है, ठीक है। अब इसके बाद आपका टाइप आता है, तो टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, सो इसके टाइप क्या है, आपके दो टाइप होते हैं, ठीक है, टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस। नंबर फर्स्ट जो टाइप होता है वो होता है आपका ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। और जो दूसरा पार्ट होता है वो होता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। सो अब ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन किसे कहते हैं, तो इसमें क्या है कि आपका जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो केवल एक ही होना चाहिए, है ना, इसमें वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ऐसा इक्वेशन जिसमें केवल एक ही क्या हो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो,
ठीक है, इंडिपेंडेंट एक ही हो लेकिन डिपेंडेंट आपका एक भी हो सकता है और एक से अधिक भी हो सकता है, ठीक है। डिपेंडेंट वेरिएबल मोर देन वन, ठीक है, वन से अधिक भी हो सकता है, ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। फॉर एग्जांपल हमने एग्जांपल ले लिया डी वाई अपॉन डी टी प्लस डी एक्स अपॉन डी टी दैट इज इक्वल्स टू जीरो। सो हियर वी सी दैट इंडिपेंडेंट वेरिएबल इसमें टी है जो कि एक ही है, बट यहाँ डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, वाई है और एक्स है। सो ये जो इक्वेशन कहलाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन, ये आपका ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगा। इज दैट क्लियर? अब देखिए पार्शियल डिफरेंशिएशन में इसका जस्ट उल्टा थोड़ा सा अंतर है। पार्शियल डिफरेंशिएशन में क्या होगा, इसमें जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ठीक है वो एक नहीं होगा, वो एक से अधिक होगा, मोर देन वन, ठीक है। इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा, एक से अधिक होगा, इसको आप बोलेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल की संख्या एक से अधिक हो पार्शियल, जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल की संख्या केवल एक ही हो उसको हम बोलेंगे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। दैट इज क्लियर स्टूडेंट्स? जैसे फॉर एग्जाम्पल डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस डी जेड अपॉन डी टी, ठीक है, और यहाँ हम वाई ही मान लेते हैं, वाई एक ही माना हमने फंक्शन, ठीक है, इक्वल्स टू जीरो। सो वाई का देखिए यहाँ एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, वाई का टी के रिस्पेक्ट में, दैट मीन्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, दो है यहाँ पर, एक्स है और टी है। सो इस तरह के इक्वेशंस को आप बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है स्टूडेंट्स? सो आप ये समझ गए होंगे टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दो तरीके के, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। और इसका जो डेफिनेशन है ये है फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट एंड इट्स डेरिवेटिव्स, ठीक है, उसका फंक्शन होता है डिफरेंशियल पॉलिनोमियल्स, इक्वल जीरो किया तो डिफरेंशियल इक्वेशंस बन गई, ठीक है। चलिए अब इसमें क्या होता है कि डिफरेंशियल इक्वेशंस को बनाना, ठीक है, कैसे बनाते हैं और फिर उसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं, तो दो तरीके क्वेश्चन आप इसमें पढ़ते हैं, ठीक है, इसी तरह से। तो फर्स्ट जो यूनिट होगी आपकी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस होगी, इसको सॉल्व किस तरह से कहते हैं, क्या इसके मेथड होते हैं, ठीक है, तो वो हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम इसमें देख लेते हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस की डिग्री एंड ऑर्डर। सो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। चलिए ऑर्डर और डिग्री कैसे आप निकालते हैं, सो ये आपका पहला टॉपिक है, ठीक है, और इसमें फिर चैप्टर डिग्री और ऑर्डर के अकॉर्डिंग आपके चैप्टर बढ़ते जाते हैं। जैसे फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री है तो आपका एक चैप्टर आगे, हमने देखा कि फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड डिग्री या सेकंड डिग्री सेकंड ऑर्डर, इस तरीके से आपके चैप्टर डिवाइड होते जाते हैं और फिर उनका हमें सॉल्यूशन पढ़ना होता है इक्वेशंस का, ठीक है। सो सबसे पहले हम ऑर्डर और डिग्री समझते हैं। सो देखिए ऑर्डर ये कहलाता है कि जो हाईएस्ट डेरिवेटिव्स है इक्वेशंस में, जो हाईएस्ट डेरिवेटिव्स है उसका ऑर्डर आपका डिफरेंशियल इक्वेशंस का ऑर्डर कहलाएगा, ठीक है, हाईएस्ट ऑर्डर वो डिफरेंशियल इक्वेशंस का ऑर्डर कहलाएगा। और उस हाईएस्ट डेरिवेटिव्स का जो ऑर्डर है उस पे पावर कितनी है, उसकी डिग्री क्या है, वो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशंस की डिग्री कहलाएगी। समझ गए होंगे? देखिए फॉर एग्जांपल हमने लिखा डी वाई अपॉन डी एक्स टू प्लस डी क्यू अपॉन डी एक्स टू प्लस टू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू जीरो, ठीक। सो हम पहले बात करते हैं ऑर्डर की। सो ऑर्डर दैट मीन्स हाईएस्ट डेरिवेटिव्स क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा अवकलन कहाँ पर है वो देखते हैं।
तो ज़्यादा से ज़्यादा अवकलन आपका यहाँ पर दिया गया है, देखिए ये है, ठीक है, क्या है, थ्री, यहाँ पर भी थ्री होगा, ठीक। सो मैक्सिमम डेरिवेटिव, हाईएस्ट डेरिवेटिव्स का जो ऑर्डर कहलाएगा वो कहलाएगा आपका इस डिफरेंशियल इक्वेशंस का ऑर्डर। सो मैक्सिमम कितने बार अवकलन है, तीन बार, सो ऑर्डर हो जाएगा थ्री। अब इसी डेरिवेटिव्स की जो है डिग्री क्या है, ये डिग्री, ये तो वन है यहाँ पर, है ना, तो डिग्री हो जाएगी इसकी वन, ठीक है, बात समझ गए होंगे। अब देखिए यदि यहां पर ये चीज ना हो कि यहां पर, चलिए हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू पावर फोर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स फाइव प्लस टू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू जीरो, ये क्वेश्चन। सो इसमें ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर होगा आपका जो हाईएस्ट डेरिवेटिव, हाईएस्ट डेरिवेटिव ये है, दो बार होगा मैक्सिमम, और डिग्री इसी में पावर कितनी है, पावर फोर है, सो वो डिग्री क्या लाएगी, ठीक है। आई थिंक ऑर्डर डिग्री आप समझ गए होंगे। अब एक थोड़ा सा अलग हट के क्वेश्चन हम देते हैं इसी पे, क्वेश्चन ये है, जैसे हमने दिया वन प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू, इसमें कहा कि ऑर्डर और डिग्री फाइंड आउट करिए। तो अब देखिए इसका ऑर्डर आप सोचिए कि हाईएस्ट डेरिवेटिव ये है, ठीक है, ऑर्डर तो आपका ये हो सकता है, व्हाट डिग्री, अब डिग्री आप सोचिए कि हाईएस्ट ऑर्डर क्या है, यहाँ इस पर घात वन है तो डिग्री आप कहेंगे वन है, बट ऐसा नहीं है। क्या होता है कि जो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशंस में जो फ्रैक्शन यदि डिग्री है, फ्रैक्शन घात है, ठीक है, जैसे इसकी पावर कितनी, रूट लगा है, यानी वन बाई टू घात है, तो कभी फ्रैक्शंस डिग्री नहीं होनी चाहिए, फ्रैक्शंस घात नहीं होनी चाहिए इक्वेशंस में, ठीक। सो आप ये पहले रूट हटाएंगे तो क्या करेंगे, दोनों साइड का स्क्वायर कर देंगे, तो जब स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर ये बन जाएगा इक्वेशन, इस पे स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ रूट हट जाएगा, तो ये इक्वेशन बन जाएगी। अब इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, टू मैक्सिमम डेरिवेटिव्स, और इस पे पावर कितनी, टू, वो आपकी डिग्री कहलाएगी टू, ठीक है। सो ये मतलब कहने का कि यहाँ पर कोई फ्रैक्शंस, मतलब वन बाई टू घात नहीं होनी चाहिए, ना वन बाई थ्री होनी चाहिए, अगर यहाँ क्यू कर दें हम तो आपको दोनों तरफ का क्या करना पड़ेगा, घन करना पड़ेगा, है ना, घात तीन करनी पड़ेगी। कुल मिला के रूट नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शंस टाइप नहीं होना चाहिए, अगर रूट है तो उसको आप पहले सॉल्व करेंगे, हटाएंगे, इसके बाद आप ऑर्डर और डिग्री फाइंड आउट करेंगे। सो दैट इज क्लियर स्टूडेंट, ठीक है। अब जो अगला आपका चैप्टर है वो है फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, है ना, तो डिफरेंशियल इक्वेशंस विद फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, ऐसा इक्वेशन जिसमें ऑर्डर क्या हो, वन हो और डिग्री भी वन हो। फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, इसको रफ कर देते हैं, है ना, अलग साइडिंग लिखते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। ठीक, सो डिफरेंशियल इक्वेशंस आपको पढ़ना है जिसका ऑर्डर भी फर्स्ट है और डिग्री भी फर्स्ट है, दैट मीन्स डी वाई अपॉन डी एक्स, ये फर्स्ट ऑर्डर, इसी का फर्स्ट डिग्री, ये चीज़ें आपको दिखेंगे इक्वेशंस में, ठीक है। चलिए तो अब देखिए इसमें क्या है कि फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री में इक्वेशंस को सॉल्व करना और जो सॉल्यूशन दिया है उससे इक्वेशन बनाना। तो जैसे हमने y इक्वल्स टू दे दिया आपको a e टू द पावर x प्लस इतना ही दे दिया हमने, ठीक है, तो अब इसको क्या करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है, सो दैट मीन्स इसका हम अवकलन कर देंगे a e टू द पावर x, ठीक है। सो यहाँ एक कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को आपको हटाना है, तो कांस्टेंट कैसे हटेगा, यहाँ से ए की वैल्यू निकाल लीजिए, ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, वाई अपॉन ई टू द पावर एक्स, ये देखिए,
मतलब आपको कांस्टेंट चीज़ें हटानी पड़ती, एक कांस्टेंट है तो आप उसको हटाएंगे। अच्छा एक चीज़ और, जितने कांस्टेंट होते हैं उतने इक्वेशन का जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा वो उतने ही ऑर्डर का होगा। जैसे इसमें एक कांस्टेंट था तो ऑर्डर इसमें एक ही आया। अब जैसे हम ऐसा ले लें वाई इक्वल्स टू ए टू द पावर एक्स प्लस बी टू द पावर माइनस एक्स, ये ले लिया हमने इक्वेशन, तो इसमें दो कांस्टेंट है यानी कि इसका दो बार अवकलन होगा, सेकेंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा। तो ये मेथड है आपका कि सॉल्यूशन से डिफरेंशियल इक्वेशंस बनाना, किसी फंक्शन से डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना, ठीक है। और जो दूसरा टॉपिक होगा वो डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करना यानी कि ये चीज़ लाना, ठीक है। तो इक्वेशंस बनाना दैट मीन्स इसको हम अवकलन कर देंगे, ई टू द पावर एक्स इसका हो जाएगा बी ई टू द पावर माइनस एक्स, है ना, यहाँ माइनस हो जाएगा तो माइनस एक्स का फिर से मल्टीपल होगा, फिर से इसका एक बार अवकलन करेंगे आप तो हो जाएगा ई टू द पावर एक्स माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा। अवकलन करना आपको आना चाहिए, ठीक है। सो यहाँ डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू अगर आप देखें, यहाँ आप देख रहे हैं ये चीज़ फिर से y बन गई है, देखिए इसको आप फिर से y लिखते हैं, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी ये आपका सॉल्यूशन होगा। देख रहे हैं आप यहाँ डिग्री की ऑर्डर कितना है, टू ऑर्डर का है और टू कॉन्स्टेंट भी है, ठीक है। सो ये तो सेकेंड ऑर्डर की बात होती है, ठीक है। अभी तो हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, फर्स्ट ऑर्डर के लिए, ठीक है ना। तो ये हमने समझा दिया कि सॉल्यूशन से आप कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे, जितने कांस्टेंट होंगे उतनी बार अवकलन होगा, अर्थात उतनी डिग्री का आपका जो है सॉरी उतने ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा। इज दैट क्लियर। चलिए अब देखिए डिफरेंस हम उल्टा बताते हैं। ये तो आपने क्या डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना सीखा, अर्थात कॉन्स्टेंट वैल्यू को हटाना, ये आप करेंगे चाहे जैसे करें, ठीक है। अब देखिए अब जो है इक्वेशंस को सॉल्व करना, तो इक्वेशंस को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री, फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री के जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको सॉल्व किस तरह से करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के आपके पास बहुत सारे तरीके हैं, जिसमें से हम कुछ आपको बताते हैं मेथड, ठीक है। नंबर एक होता है सेपरेशन, सेपरेशन बाय वेरिएबल, वेरिएबल्स का सेपरेशन करके हम एक मेथड अपनाते हैं, उससे डिफरेंशियल इक्वेशंस को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, यानी कि फंक्शन वाई का मान निकालते हैं। दूसरा टाइप होता है होमोजीनियस, होमोजीनियस टाइप्स, ठीक है। तीसरा होता है रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस, ठीक है, होमोजीनियस में हम रिड्यूस करके इसको सॉल्व करेंगे। चौथा होता है लीनियर, ठीक है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, एक ये टाइप होता है। पांचवा रिड्यूसिबल टू लीनियर, ठीक। और छठवा होता है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक। सातवां होता है रिड्यूसिबल एग्जैक्ट, रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट, ठीक। और एक और आप देखते हैं जिसको हम इन सब में चेंज कर सकते हैं, चेंज ऑफ वेरिएबल, ठीक। सो ये आठ तरह के टाइप होते हैं और इन सब मेथड से हम किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। और डिफरेंशियल इक्वेशंस कैसा होना चाहिए, फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री का होना चाहिए, ठीक है। सो इसको हम तीन तरीके से सॉरी ये आठ तरीके मेथड होते हैं, इनके आधार पे हम इनको सॉल्व किया करते हैं, ठीक है। सो अब चलिए हम पहला जो है मेथड देख लेते हैं, सेपरेशन बाई वेरिएबल्स।
पहला जो मेथड है वो है आपका सेपरेशन बाय वेरिएबल्स, ठीक है, वेरिएबल्स का सेपरेशन करके कैसे सॉल्व करते हैं। तो जैसे हमने आपको एक क्वेश्चन दे दिया, वन प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स इक्वल्स टू वन प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई, ये हमने आपको एक क्वेश्चन दिया, कहाँ सॉल्व करिए, दैट मीन्स फंक्शन वाई का मान आप निकालिए क्या आता है, ठीक है, इतना आएगा सॉल्व दिस। तो आपको पहचानना है कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सेपरेशन सॉल्व हो सकता है, सेपरेशन का मतलब वेरिएबल्स जो हैं उसका सेपरेशन कर दिए, एक एक तरफ कर दीजिए, इक्वल के एक साइड अलग वेरिएबल, इक्वल के उस साइड अलग वेरिएबल। सो यहाँ देखें आप, तो डी एक्स हो, ये डी एक्स है और ये जो वन प्लस एक्स स्क्वायर है आप इस तरफ लाइए तो एक बटे में आ जाएगा यहाँ पर इसके, है ना, इक्वल्स टू, इसी तरह से यहाँ डी वाई रहेगा और ये वन प्लस वाई स्क्वायर इस तरफ आ जाएगा, ये देखिए सेपरेट हो गया, मतलब ये बड़े आसानी से एक्स के पद अलग हो गए, वाई के पद अलग हो गए। अब इसको आप सॉल्व कर दें, सॉल्व करने हो तो अब आप इंटीग्रेशन करेंगे, दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दीजिए, एक्स से तो एक्स के सापेक्ष, इस तरह वाई है तो वाई के सापेक्ष, तो एक्स के सापेक्ष करेंगे, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर का होता है इंटीग्रेशन टेन इनवर्स एक्स, इसका होता है टेन इनवर्स वाई, इसी तरह से कॉन्स्टेंट लेंगे क्योंकि आप इंटीग्रेशन करने हैं, क्योंकि ये क्या है आपका इंडेफिनेट इंटीग्रल है ना, कोई लिमिट नहीं है इसमें। सो यहाँ पर आप कोई कॉन्स्टेंट मानेंगे, सी मानेंगे या आप टेन इनवर्स सी मानेंगे उसी फॉर्म में, तो इससे क्या होगा कि वाई बड़े आसानी से निकल आएगा। अब देखिए वाई निकालना है, सो ये वैल्यू आप एक तरफ रखिए, सो टेन इनवर्स वाई इक्वल्स टू टेन इनवर्स सी यहाँ लाएंगे, सो दैट मीन्स टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स सी, ठीक है, सो टेन इनवर्स वाई इक्वल्स टू, यहाँ आप चाहें तो फॉर्मूला अप्लाई कर दें इनवर्स सर्कुलर फंक्शन से, ठीक है, टेन इनवर्स एक्स माइनस सी अपॉन वन प्लस एक्स सी, सो टेन इनवर्स आप हटा सकते हैं, वाई इक्वल्स टू एक्स माइनस सी अपॉन वन प्लस एक्स सी, सो ये आ गया आपका फंक्शंस, वाई का मान आ गया, ये सॉल्यूशन आ गया, ठीक है। तो ये था सेपरेशन बाय वेरिएबल्स में, दैट मीन्स वेरिएबल्स का सेपरेशन करके, ठीक है, अलग अलग चीज़ों को, सॉरी मतलब जो वेरिएबल्स हैं उनको एक एक तरफ करके फिर इंटीग्रेट करिए और सॉल्व कर लीजिए, बस इतना है, ठीक है। सो ये आपका मेथड था सेपरेशन बाय वेरिएबल। तो चलिए हम एक क्वेश्चन और इसी तरीके से ले लेते हैं इसी बेस पे, तो बुक्स से क्वेश्चन देखते हैं। सी का टाइप है थोड़ा सा क्या है कि हम ऐसा क्वेश्चन लेते हैं जिसमें ये सेपरेट हो रहा हो लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम करे, कैसे देखिए, e टू द पावर x माइनस वाई प्लस e टू द पावर या सॉरी x स्क्वायर e टू द पावर माइनस वाई इक्वल्स टू डी वाई अपॉन डी एक्स, ये देखिए जैसे हमने ये क्वेश्चन लिया, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा ये है कि ये सेपरेट बड़े आसान से हो नहीं रहा है, ठीक है, तो इसको देखिए सेपरेट करें कैसे होगा ये। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सॉल्यूशन में डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू, ये आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं ये, है ना, इनटू में और सॉरी यहाँ पर e टू द पावर माइनस वाई करिए, ये होगा क्वेश्चन, ठीक है।
तो यहाँ आप जो इसको दो पार्ट में लिख लेंगे इंटू में, अब ई टू द पावर माइनस वाई कॉमन कर लेंगे तो ई टू पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बचेगा, यहाँ हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक, अब यहाँ सेपरेट हो सकता है, ये एक्स का टर्म्स है ये वाई का टर्म्स है। ठीक, सो डी वाई के पास ये लाइए, सो डी वाई और बटे में आ जाएगा ये वाई का पार्ट, इस तरफ रहेगा एक्स का पार्ट, और डी एक्स आप यहाँ ले जाइए सो ये डी एक्स हो गया। ठीक, अब इंडिकेट हो जाएगा, इसको इंडिकेट कर दीजिए या पहले इसको ऐसे लिख लीजिए, माइनस वाई ऊपर पहुँच जाएगा प्लस वाई हो जाएगा, यहाँ पर ई टू द पावर एक्स डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये हो जाएगा। ठीक, इंडिकेट कर दीजिए बोथ साइड, सो ई टू द पावर वाई ई टू द पावर एक्स, ये एक्स पावर थ्री अपॉन थ्री इंटीग्रेट कर रहे हैं प्लस कॉन्स्टेंट सी। ठीक है, वाई निकालना है सो दैट मीन्स आप चाहें तो यहाँ लॉग लेना पड़ेगा, पर इतना पर्याप्त है। ठीक है, आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सो ये था क्वेश्चन सेपरेशन बाय वेरिएबल पे, यहाँ थोड़ा सा आपको हट के क्वेश्चन था लेकिन सेपरेशन से ही ये सॉल्व हुआ है। ठीक, अब एक टाइप और होता है इसी तरह का क्वेश्चन में, तो ज़रा हम वो भी देख लेते हैं, ये इसी मेथड का है सेपरेशन बाय वेरिएबल से। ठीक है, इसको रफ करते हैं तो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं सीबीएस पे सेपरेशन मेथड से। क्वेश्चन ये है, कह रहा है सॉल्व डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये है। ठीक है, सॉल्व करना है तो देखिए ये कैसे सॉल्व होगा। तो अब देखिए इसमें यदि यहाँ एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर ना होता, ठीक है, यहाँ एक्स स्क्वायर होता या केवल वाई स्क्वायर होता तो बड़े आसानी से कर सकते थे। यहाँ प्रॉब्लम कर रहे हैं हमको जो एक्स प्लस वाई है, ये हमारा प्रॉब्लम कर रहा है, इसलिए हम इसको कोई वेरिएबल दे देते हैं नाम, नया वेरिएबल हमने मान लिया v। ठीक है, तो x प्लस वाई को v मानना, ये भी एक इसी का मेथड है। ठीक, सो v मान लिया हमने, अब v माना दैट मीन्स हमने क्या किया, इस वेरिएबल को v में चेंज किया एक्स वाई वेरिएबल को, सो अब हमें पूरा v में चेंज करना होगा, यानी कि यहाँ x कहीं नहीं होगा। ठीक, तो हम क्या करें, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, तो यहाँ से हमें ये वैल्यू निकल आएगी किसकी, डी वाई अपॉन डी एक्स की। तो डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकल आएगी डी वी अपॉन डी एक्स माइनस वन। ठीक है, इससे तो ये डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू जो ये आ रही है ये हम यहाँ पर पुट अप कर दें, तो आ जाएगा डी वी अपॉन डी एक्स माइनस वन इक्वल्स टू, यहाँ पर वी मान लिया, लो ये हो गया इक्वेशन। सो डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू ये हो गया वन प्लस वी स्क्वायर। अब बड़े आसानी से आप इसको सेपरेट कर सकते हैं, वी और एक्स में हो गया, सो डी वी और अपॉन में आ जाएगा वन प्लस वी स्क्वायर और डी एक्स इस तरफ पहुंच जाएगा, इंटीग्रेट कर दीजिए। सो वन अपॉन वन प्लस वी स्क्वायर का इंटीग्रेट हो जाएगा टेन इनवर्स वी एंड ये हो जाएगा एक्स प्लस कॉन्स्टेंट मान लेंगे सी या टेन इनवर्स सी मान सकते हैं। अब यहाँ पर अभी आंसर नहीं है, वी की वैल्यू जो आपने मानी थी क्या एक्स प्लस वाई, ये वो आप पुट अप कर दीजिए। ठीक है, सो ये आपका जो है आंसर, सॉरी एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस सी। ठीक है, सो ये आप सॉल्यूशन कर पाए। ठीक है, सो आज आपका ये मेथड था सेपरेशन बाय वेरिएबल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने सबसे पहले समझा कि डिफरेंशियल इक्वेशंस की डेफिनेशन क्या है, इसके टाइप क्या है, और डिफरेंशियल इक्वेशंस में डिग्री ऑर्डर निकालना, और डिग्री ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन जिसको सॉल्व करना, ये रहा। ठीक है, और या इसी में हमने इससे पहले बताया था कि डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना। ठीक है, तो जितने कांस्टेंट होंगे उतनी बार आप अवकलन करते जाइए सो आप डिफरेंशियल इक्वेशन बना पाएंगे। ठीक है, और ये हमने बताया डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना, तो इसके बहुत सारे तरीके हैं, आठ तरीके बताए जिसमें से हमने आपको एक तरीका आज बताया, उस पर रिलेटेड क्वेश्चन बताए। ठीक है, तो सेपरेशन वेरिएबल का कैसे करते हो, फिर इसके सॉल्यूशन कैसे करते हैं। ठीक है, तो आज हमने ये इतना पढ़ा। ठीक है, अब हम जो अगला लेक्चर लेंगे उसमें आपको इसी के आगे बढ़ेंगे और टाइप बताएंगे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, यदि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, सो चलिए हम मिलते हैं अगले लेक्चर में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।